Very good morning to everyone. So, it's your EVS class. Today we will read chapter 13 that is, Animals Around Us. Okay. So, in the previous class, as we see that there are so many plants around us, right? Similarly, we can also see many different animals around us. Okay. So, animals also have five sense organs like us. We have five sense organs. What are they? Eyes, nose, tongue, skin, and ear. Right? Similarly, animals also have these five sense organs like us. Okay? And they can also move around from one place to another. Okay? सो एनिमल्स वेरियन साइज इट मीन्स एनिमल भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं कोई छोटा होता है कोई बहुत बड़ा होता है कोई टॉल होता है राइट सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर इट इज़ एलिफेंट यस एंड एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एंड लैंड एनिमल राइट एलिफेंट बहुत लार्जेस्ट होता है बड़े होता है एंड सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं डॉग ओके एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर इज जिराफ सो जराफ इज दस्ट एनिमल राइट सो एनिमल्स के भी बहुत डिफरेंट साइज होते हैं ओके सो नेक्स्ट इज एनिमल्स ऑल्सो वेरी इन देयर वे ऑफ मूवमेंट ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स गलूप्स हॉर्स कैसे करता है गलूप करता है राइट अ स्नैक रिंग रिंगल्स ओके एंड अ बर्ड बर्ड इज ऑल्सो अ एनिमल एंड अ बर्ड फ्लाइज बर्ड क्या करती है उड़ती है फ्लाई करती है क्या हॉर्स फ्लाई कर सकता है नो ओके सो इन सब एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट होती है राइट माई डियर चिल्ड्रन सो नाउ लेट्स रीड अबाउट लैंड एनिमल ओके वाट आर लैंड एनिमल्स लैंड एनिमल्स क्या होते हैं डिफरेंट एनिमल्स लाइक इन डिफरेंट एरियाज ओके डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट एरियाज फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन हाउस हम कहा रहते हैं वी लिव इन हाउस सिमिलरली डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया एलिफेंट बैर्स लायंस डेर डियर ओके लिव ऑन लैंड ये सब एनिमल्स कहाँ रहते हैं दे ऑल लिव ऑन लैंड एंड जो एनिमल लैंड पर रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स ओके And they are seen in the forest or in the zoo also. Okay, we animals in forest or in the zoo mein bhi hain. So they all are called land and land animal. Horse is also a land animal. Elephant, giraffe is also a land animal. Okay. So now let's read about water animals. What are water animals? Okay. So a fish like a fish live in a water. Okay. देर आर फ्यू एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओनली वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स एंड डू यू नो चिल्ड्रन दे ब्रीद थ्रू गिल्स ओके ये जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं विद दी हेल्प ऑफ देर गिल्स ओके एंड वी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद दी हेल्प ऑफ आवर लंग्स हम अपनी लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं बट जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स ओके फॉर एग्जाम्पल लाइक शाक वेल ओके एंड देर आर सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर ऐसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं क्या शार्क लैंड पर रह सकती है वेल लैंड पर रह सकती है फिश लैंड पर रह सकती है नो ओके सो देर आर फ्यू एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स क्रोकोडाइल्स एंड दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ओके सो नेक्स्ट एनिमल टाइप इज बर्ड्स ओके नेक्स्ट इज बर्ड्स वॉट आर बर्ड्स ये आई नो यूल राइट सो एनिमल्स विथ फेदर्स आर कॉल्ड बर्ड्स जिस एनिमल्स के फेदर्स होते हैं ओके okay? उन्हें क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड बर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक ईगल स्पेरो क्रो बुलबुल किंग फिशर कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस ओके एंड दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज ये सारी बर्ड्स बहुत दूर तक फ्लाई कर सकती हैं और अपने ये नेस्ट कहाँ बनाती हैं ऑन ट्रीज राइट सो बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रेच एंड एमू कैन वॉक एंड रन ओके दे कैन नॉट फ्लाई आप सबसे नीचे देख सकते हैं ना ऑस्ट्रेच ईमू देर आर फ्यू बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं दे कैन ओनली वॉक एंड रन वो ओनली वॉक और रन कर सकती हैं दे कैन नॉट फ्लाई ओके एंड पिकॉक्स एंड हैं कैन टेक वेरी शॉर्ट फ्लाइट्स कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो उड़ते हैं जो पर वो बहुत शॉर्ट फ्लाइट्स मतलब ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकते बहुत कम उड़ते हैं ओके okay? ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ते हैं सो नेक्स्ट इज़

राइट सो इंसेक्ट्स लाइक टाइनी कलरफुल क्रिएचर्स ओके मोस्ट ऑफ दैम हैव सिक्स लेग्स मोस्टली इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं सिक्स होते हैं राइट इट्स नॉट नेसेसरी सिक्स होते हैं फोर भी हो सकते हैं राइट सो दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई इंसेक्ट्स के भी कुछ इंसेक्ट्स के भी विंग्स होते हैं सो दैट दे कैन फ्लाई एंड सम इंसेक्ट्स लाइक सिल्क वाम एंड हनी बीज आर यूजफुल टू अस ओके वाइल्ड सम लाइक मॉस्किटोज हाउस फ्लाइज कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स ओके दे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं लाइक सिल्क वाम हनी बीज ओके दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस हम हनी खाते हैं राइट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इट इज़ वेरी हेल्दी एंड कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं लाइक मॉस्किटोज हाउस फ्लाई विच इज नॉट गुड फॉर अस ओके और वो क्या करते हैं एंड दे कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं राइट येस सो नेक्स्ट इज एबोरियल एनिमल्स ओके वाट आर दे ये कौन से एनिमल्स होते हैं एबोरियल एनिमल्स आर क्रिएटर्स हु दिन द मेन मेजोरिटी ऑफ देयर टाइम्स इन ट्रीज जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं ट्रीज़ पर रहते हैं ट्रीज़ पर रहते हैं ओके एंड दे ईट स्लीप एंड प्ले इन द ट्री वहीं पर ही खाते हैं सोते हैं प्ले करते हैं ओके एंड देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ लिव इन ट्रीज इंक्लूडिंग कौन कौन होते हैं इंक्लूडिंग मंकीज़ Squirrels, okay, and raccoons live on tree but move about on land. Okay. That's why they called arboreal animals. Okay. So today ma'am nito aapko animals to barum bataya. Animals ke types ke mein bataya, Right? So what you will do? You have to read this chapter again. Okay. And you should know what are land animals, what are birds, what are uh, Water animals, okay. You should know. So, your homework is you have to read this chapter, okay, very carefully. And in the next class, I will ask you questions, okay, and we will read it again, okay. So, thank you so much, children. Bye bye. See you. Take care.